तो ये वो डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से हमारा शेंगेन वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। आज कुछ 7 दिन हो गए शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर आए हुए, और अब एजेंट से बात करने के बाद और ऑनलाइन सर्च करने के बाद पता पड़ा कि इसी डॉक्यूमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो आप भी सेम मिस्टेक मत करना इस डॉक्यूमेंट को लगा के। इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, पहले मैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये मेरा 5वां शेंगेन वीज़ा था, और इसके पहले मेरे 4 शेंगेन वीज़ा लग चुके थे। और 2018 से एवरी ईयर आई वाज गोइंग टू यूरोप एक्सेप्ट कोविड ईयर को छोड़ के। और 3 बार मुझे स्विस एम्बेसी ने वीज़ा दिया था, और 1 बार ऑस्ट्रियन एम्बेसी ने। और इसके अलावा मेरे पासपोर्ट में एक वैलिड US वीज़ा भी है, और पास में न्यूजीलैंड का स्टिकर वीज़ा भी है। तो इन सब होने के बाद जब शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो थोड़ा शॉकिंग होता है हमारे लिए भी, और जिसको भी बताओ उसके लिए भी। इस साल जो प्लान था वो फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे रोड ट्रिप करने का प्लान था। 25 डेज़ की मैंने आइटनरी सबमिट करी थी, उसमें फ़्लाइट रिजर्वेशन भी सबमिट किया था, होटल बुकिंग सबमिट करी थी, इवन रेंटल कार का भी बुकिंग सबमिट किया था 25 डेज़ पूरे उसके लिए। इसके अलावा पूरा 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस सबमिट किया था, और ये सब डॉक्यूमेंट हमने फिनलैंड एम्बेसी में सबमिट किए थे VFS के थ्रू। प्रॉब्लम हो गई कवर लेटर बनाने में। कवर लेटर मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट करता था, लास्ट ईयर भी करी थी, कि प्लीज़ गिव अस अ लॉन्गर ड्यूरेशन वीज़ा ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार आई शोड 2 ट्रिप्स टुगेदर, कि अभी तो एक ट्रिप मैं जून में कर रहा हूँ और एक ट्रिप मैं करने वाला हूँ अगस्त सेप्टेम्बर में। और वो ट्रिप जो रहेगी वो मेरी कुछ ऐसी रहेगी कि आई विल बी बैक इन शेंगेन एरिया, प्लस आई विल कवर साइप्रस, क्योंकि साइप्रस में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। वी वांट टू विजिट अवर रिलेटिव्स फॉर 1 मंथ, सो गिव अस अ लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा इस ट्रिप के लिए भी और उस ट्रिप के लिए भी। तब उससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस ट्रिप के तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, और उस ट्रिप के डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ हमने लगाया इन्विटेशन लेटर फ्रॉम दैट रिलेटिव, प्लस उनका PR, प्लस उनका जो रेंटल प्लेस है उसके डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा ना फ्लाइट दिखाया ना कुछ दिखाया। उनका जो रिफ्यूज़ल लेटर में पॉइंट आया वो यही आएगी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं डैट्स नॉट अप्रोप्रिएट, और उसकी वजह से रिफ्यूज़ करते हैं। तो सेकेंड ट्रिप जो थी उसके डॉक्यूमेंट्स थे नहीं प्रॉपर, और हमें चाहिए था 6 मंथ्स का वीज़ा, तो वो पॉसिबल कैसे होएगा? अगर या तो फिर दोनों ट्रिप्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स बताओ, या फिर बेस्ट है कि एक ही ट्रिप के डॉक्यूमेंट्स बताओ, और अगर उनको ठीक लगता है तो 6 महीने 1 साल 2 साल का भी दे देते हैं। आई थिंक स्पेन फ्रांस में काफ़ी चांस है कि आपको 1 साल का शेंगेन वीज़ा मिल रहा है अभी, और अदरवाइज यूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क सब बहुत ही मुश्किल से, और इनका परसेंट भी काफ़ी कम है एक्सेप्टेंस का ऐसा लगता है। और फिर हम दोनों ने बात करके ये भी डिसाइड किया कि अपील नहीं करने वाले हम। एजेंट तो बोल रहा था कि अपील में डाल दो, अगर हो सकता है 1 ही महीने का मिल जाए फर्स्ट ही, और जून वाला ट्रिप करके आ जाओ। लेकिन अपील का सर्च किया तो पता पड़ा बहुत कम चांसेस है एक्सेप्टेंस के। उससे तो बेटर ये है कि 1-2-3 महीने बाद फिर से अप्लाई कर दो शेंगेन कंट्री का, किसी और कंट्री का, और मोस्ट प्रेफरेबली स्विट्ज़रलैंड फ्रांस स्पेन इनका करना बेटर है। तो अपील नहीं कर रहे हैं, अपील करने की कॉस्ट है 170 यूरोस, वीज़ा की कॉस्ट थी 80 यूरोस, तो डबल से भी ज़्यादा कॉस्ट है अपील करने की। तो हम अपील नहीं करके ये अज्यूम कर रहे हैं कि जाने दो, 20,000 रुपये गए तो गए। और अभी तक शेंगेन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या लगता था कि एक वीज़ा से 27 कंट्री जा सकते हैं, प्लस साउथ अमेरिका की कंट्री जा सकते हैं, प्लस यूरोप की और भी जो शेंगेन स्टेट में नहीं आते वो भी उस वीज़ा से जा सकते हैं। लेकिन अब ये वीज़ा नहीं मिला तो वो सारे ऑप्शन तो ख़त्म ही हो गए कि वहाँ तो जा ही नहीं सकते। तो बस ये मिस्टेक आप भी मत करना ऐसे फालतू फालतू डॉक्यूमेंट्स लगाने की। अगर इनविटेशन वीज़ा लगाना है तो सिर्फ उसके थ्रू उसके बेसिस पे ही वीज़ा लेना चाहिए, नॉट कंबाइनिंग 2 ट्रिप्स टुगेदर। वो हमारी बड़ी गलती थी, और इससे आपको भी सीखना चाहिए कि ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं लगाने चाहिए। हम भी सीख गए, आगे नहीं लगाएंगे ऐसा कुछ। सेपरेट वीज़ा ही ठीक है, वो अलग बात है कि वीज़ा की रेट इतनी हाई है शेंगेन की, 10,000 का वीज़ा है, 12,000 में तो US का 10 साल का वीज़ा मिलता है, विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल वीज़ा अभी तक जितना हमें पता पड़ा है। तो आप भी ये गलती मत करना ऐसे डॉक्यूमेंट लगाने की, और वही सिंपल अपना जो बताते हैं आइटनरी 15-20 दिन की लगा के। एडिशनल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि प्लीज़ ये मेरा 4th 5th शेंगेन वीज़ा है, तो गिव मी ए लॉन्गर ड्यूरेशन वीज़ा, डैट इज़ एक्सेप्टेबल, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे 2-3 अलग अलग ट्रिप्स के आइटनरी लगाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिनलैंड एक बार हुआ है, दूसरी बार आप कहीं और जाओगे, वी आर प्लानिंग टू गो टू ग्रीस प्लस साइप्रस, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। वाई विल फिनलैंड गिव
वीज़ा फॉर ग्रीस आइटनरी। अब क्या क्या ऑप्शन बचे हैं वो आई थिंक टर्की हम जा सकते हैं क्योंकि US वीज़ा है तो वो ईजी रहेगा, या फिर UK और आयरलैंड का एक ऑप्शन है लेकिन उसमें भी रिफ्यूज़ल का दिखाना पड़ेगा कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन है, साउथ ईस्ट एशिया का ऑप्शन है, तो डिसाइड कर रहे हैं किधर जाना है। इन ऑप्शंस ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गए यूरोप के, तो उसके अलावा कुछ नया जाना पड़ेगा, तो देखते हैं किधर जाना है। आई विल अपडेट यू कुछ भी प्लान बनता है आगे, तो लाइफ अपडेट पार्ट 2 में। जब तक के लिए गुड बाय।